नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तनाव को लेकर भागलपुर में युवक और युवती ने फंदे से झूल कर दी अपनी जान, परिजनों में मचा कोहराम। नवगछिया पुलिस को मिली बड़ी सफलता, भारी मात्रा में स्मैक के साथ 3 धंधेबाज गिरफ्तार, कार्रवाई और कट्टा बरामद। भागलपुर में बढ़ते आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए एसएसपी ने के अधिकारियों के साथ बैठक, दिए कई निर्देश। वैष्णवी ससुराल वालों ने विवाहिता की गला दबाकर हत्या का किया प्रयास, पीड़िता ने लगाई न्याय की गुहार। और मशाकचक इलाके से अगवा की गई युवती को पुलिस ने बांका से किया बरामद। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर में आत्महत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और आए दिन शहर के किसी न किसी मोहल्ले से युवक, युवती या महिलाओं के खुदकुशी की खबर सामने आती रहती है। ताज़ा मामला भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र का है, जहां अलग अलग मोहल्ले से एक युवक और एक युवती के द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। दरअसल एक ही दिन भागलपुर जोगसर थाना क्षेत्र ऊपर टोला में बुधवार की अहले सुबह फंदे से झूलता एक युवक का शव बरामद हुआ है, जबकि दूसरी घटना थाना क्षेत्र के कोयला घाट इलाके की है, जहां एक युवती ने गले में फंदा डालकर पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली। मृतक की पहचान संग्रामपुर निवासी रामजीवन यादव के 22 वर्षीय पुत्र सौरभ कुमार के रूप में हुई है, जबकि मृतका की पहचान कोयला घाट निवासी अधिवक्ता जयप्रकाश यादव की पुत्री पूर्णिमा कुमारी के रूप में हुई है। इधर घटना को लेकर बताया जा रहा है कि सौरभ जिस कमरे में रहता था उस कमरे का दरवाजा बंद था, जहां कमरे के अंदर पंखे से लटक कर सौरभ ने अपनी जान दे दी। हालांकि मृतक के परिजन सौरभ की आत्महत्या के कारणों को लेकर कुछ भी अस्पष्ट कहने से बच रहे हैं, जबकि उसके साथियों का कहना है कि सौरभ अपने माता पिता के साथ जोगसर ऊपर टोला के समीप एक प्राइवेट लॉज में किराए पर रहता था। बताया जाता है कि 4 दिन पूर्व ही मृतक सौरभ के माता पिता किसी काम से गाँव गए थे, जिसके बाद रविवार से ही मृतक सौरभ के माता पिता का अपने पुत्र सौरभ से मोबाइल पर भी संपर्क नहीं हो पा रहा था। वहीं घटना को लेकर रविवार को ही सौरभ द्वारा खुदकुशी करने का कयास लगाया जा रहा है, जबकि घटना की सूचना मिलने के बाद ही जोगसर पुलिस 24 घंटे के बाद घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। इधर परिजनों का कहना है कि पुलिस एक दिन बाद घटनास्थल पर पहुंची और परिजनों से पूछताछ कर फंदे से झूल रहे सौरभ के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले गई। वहीं कोयला घाट निवासी पूर्णिमा कुमारी को लेकर बताया जा रहा है कि मृतिका TNV लॉ कॉलेज में LLB पार्ट 2 की छात्रा थी, जो परीक्षा परिणाम की गड़बड़ी के कारण काफ़ी डिप्रेशन में थी और इसी कारण पूर्णिमा द्वारा खुदकुशी करने का कयास लगाया जा रहा है। मृतिका छात्रा ने 2 साल पहले छात्र संघ चुनाव में काउंसलर के पद पर जीत हासिल की थी, जबकि 12 जून को वह UPSC की परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जाने वाली थी, लेकिन इसी बीच बीती देर रात उसने पंखे से झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। हालांकि एक ही थाना क्षेत्र में हुई 2 खुदकुशी की घटना से इलाके में सनसनी मच गई, जबकि पुलिस दोनों मामले की जाँच में जुट गई है। हम लाइब्रेरी में थे, वहाँ से फिर हम किए कि मतलब कॉल किए, बोले कि हम तो लाइब्रेरी में हैं, नंबर देते हैं, वहाँ से नंबर दिया तो फिर यहाँ आके देखा, तो यहाँ जो घटना हुआ उसका जानकारी दिया। क्या देखे आप? हम क्या देखे, हम तो लाइब्रेरी में थे, तो जो यहाँ देखा वो ना देखा। आने के बाद तो मतलब बोला कि मतलब गेट के अंदर से लॉक, ठीक है, बार बार मतलब वो धक्का देने के बाद वो उठा नहीं रहा था, तो दिया तो एक बार मतलब नहीं होता है कि आदमी बार बार दे रहा है, तो एक बार कस के दिया तो शायद गेट खुल गया। अच्छा, गेट खुल गया तो प्रथम दृष्टि हमें देखा कि मतलब ये लटका हुआ है। अच्छा, उसके बाद तो फिर इन्फॉर्मेशन गया, देखो वैसा। ये जानकारी कब मिली आपको, कितने बजे? ये हमको लगता है 2:30 बजे के करीब तकरीबन, कल दोपहर में। हाँ, पुलिस जिला नवगछिया की पुलिस ने पश्चिम बंगाल के मालदा से ऑल्टो कार द्वारा नवगछिया लाई जा रही 475 ग्राम स्मैक को रंगरा सहायक थाना क्षेत्र से बरामद कर लिया है। पुलिस ने मौके से कार में सवार 3 स्मैक तस्करों को भी गिरफ्तार कर कार जब्त कर लिया है। वहीं पुलिस ने पूछताछ के दौरान तस्करों से एक लोडेड कार्बाइन और लोडेड कट्टा भी बरामद किया है। इसको लेकर SP शांत कुमार सरोज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गिरफ्तार तस्करों में से एक पुलिस का जवान भी शामिल है, जिसकी पहचान नवगछिया के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र निवासी बेचन प्रसाद यादव के पुत्र
मिस्टर करण राज के रूप में हुई है जो जमुई जिला में पदस्थापित है, जबकि दूसरा तस्कर रंगराज सहायक थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव निवासी महेंद्र शाह का पुत्र कन्हैया कुमार है। इसके अलावा तीसरे स्मैक तस्कर की पहचान शेखपुरा के तीन मोहानी गांव निवासी कैलाश यादव के पुत्र दीपक कुमार के रूप में हुई है। एसपी ने बताया कि भवानीपुर गांव निवासी स्मैक तस्कर कन्हैया कुमार के घर से तलाशी में 17 मोबाइल बरामद हुआ है, जो स्मैक का नशा करने वाले नव युवकों और किशोर से गिरवी के रूप में लेकर रखा गया था, जबकि इसके अलावा 42,137 नगद रुपये भी पुलिस ने बरामद किया है। एसपी ने कहा कि इस्माइलपुर निवासी पुलिस जवान करण राज के मोबाइल की तलाशी के क्रम में पुलिस को लोडेड कार्बाइन और लोडेड कट्टा बरामद हुआ है, जहाँ से दो लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। कल रात में थाना प्रभारी रंगरा महताब खां को सूचना मिली कि मालदा पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खेप कार में अल्टो गाड़ी है, इसमें कोई स्मगलर जो है ड्रग का, वो ड्रग लेकर के आ रहा है। इन्होंने तो हमें जानकारी दी। SDPO साहब कल नाइट राउंड था, आप लोगों को मालूम है कि प्रत्येक दिन हमारे वरीय पदाधिकारी नाइट राउंड में निकलते हैं। कल नाइट राउंड था SDPO साहब का, त्वरित कार्रवाई करते हुए इन्होंने टीम बनाई थी, जिसमें से कि थाना प्रभारी रंगरा, SI अरुण कुमार, SI मुकुंद मुरारी थाना प्रवक्ता और CO साहब की टीम बना करके जो चेक पोस्ट है रंगरा वहाँ पे चेकिंग लगाएंगे। चेकिंग क्रम में ये गाड़ी आती है, अल्टो गाड़ी, जब चेक किया गया तो उसमें से ये अब सामान ये स्मैक है बरामद हुआ। जो ड्राइवर था, ड्राइवर के अंडरवियर से एक पैकेट, ठीक है। दूसरा कन्हैया जो गिरफ्तार हुआ, कन्हैया नाम है, कन्हैया कुमार पिता महेंद्र शाह साकिन भवानीपुर, उसके अंडरवियर से एक पैकेट, दो पैकेट हो गए। उसके बाद जो दो पैकेट है आपका जो गाड़ी था जो पीछे था नंबर प्लेट, उसके पीछे एक केबिन टाइप का बना था, स्मॉल केबिन बना हुआ था, उसमें से दो पैकेट, चार पैकेट हो गया। और जब पूछताछ किया गया जब कन्हैया से, तो कन्हैया का पुराना इतिहास रहा है, उस पर नज़र पहले से बनाए हुए थे, तो उसके फिर घर से एक पैकेट स्मैक मिलता है। और घर से ये है ना, ये क्या बोलते हैं, तिजोरी बोलते हैं या बक्सा करे, नहीं, ये बरामद होता है इसमें आपका। और जो पहले मैं गाड़ी की बात कर लूँ, जो गाड़ी में जो बरामद हुए तीन लड़का पकड़ाया, उस तीनों के पास से एक एक मोबाइल, तीन मोबाइल हो गया, और कैश मिला 5,010 रुपया गाड़ी से मिला, जो तीन लड़का पकड़ाया उससे। हाँ, नाम है करण राज, पिता बेचन प्रसाद यादव साकिन पश्चिमी भिट्ठा थाना इस्माइलपुर। दूसरा है दीपक कुमार, पिता कैलाश यादव साकिन तीन मोहानी शेखपुरा। तीसरा है कन्हैया कुमार, पिता महेंद्र शाह साकिन भवानीपुर थाना रंगरा ओपी जिला। भागलपुर शहर में लगातार अपराध के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए इस पर लगाम लगाने को लेकर समीक्षा भवन में वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने पुलिस पदाधिकारियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान SSP बाबूराम ने CT SP स्वर्ण प्रभात, CT SP शुभम आर्य समेत जिले के सभी थानेदार को अपराधियों एवं आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने की बात कही। वही बैठक के बाद SSP ने कहा कि लंबित केसों की समीक्षा कर मामले का जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया गया है, जबकि वरीय पुलिस अधिकारियों को इसकी निगरानी कर आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही गई। साथ ही कहा कि सभी थानेदारों को क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रहने के साथ थाना आने वाले से बेहतर ढंग से पेश आने को कहा गया है, जिससे पुलिस और आम लोगों के बीच की दूरी कम हो। इसके अलावा बैठक में कई अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। आज ये जिला में क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया है, सभी SHO, सर्कल इंस्पेक्टर, SDPO लोग मौजूद हैं और विभिन्न कांडों में गिरफ्तारी, संपत्ति मूलक कांडों का उद्भेदन, केस में चार्जशीट, मध्य निषेध में कार्रवाई और विभिन्न अन्य मुद्दों पे यहाँ चर्चा की गई है, समीक्षा की गई है। उस थाना में मालखाना का प्रभार लंबित है सर, सर उस थानों में केस का प्रभार लंबित है सर, सर जो आयु है दूसरे थाना में बदल के चले गए हैं सर, या दूसरे जिला में चले गए हैं सर, कुछ आयु रिटायर भी हो गए हैं सर, सर तो ऐसे कुछ मामले लंबित हैं प्रभार के लिए। 15 तारीख तक का समय दिया गया है, 15 तक जो लंबित मामले हैं उनका प्रभार संबंधित व्यक्ति से ग्रहण करेंगे। एक और, सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दहेज प्रथा को समाप्त कराने का दावा करते हैं, तो दूसरी ओर कई ऐसे मानसिकता वाले लोग भी हैं जो दहेज को लेकर पत्नी को प्रताड़ित करते हैं। ताज़ा मामला भागलपुर सबौर प्रखंड के रजंदीपुर पंचायत का है, जहां एक महिला को ससुराल वालों द्वारा दहेज नहीं देने पर विवाहिता की गला घोटकर हत्या करने का प्रयास किया गया। पीड़ित महिला की पहचान पिपैती निवासी गायत्री देवी के रूप में
हुई है। वहीं मामले को लेकर पीड़िता का कहना है कि एक वर्ष पूर्व उसकी शादी सबौर निवासी सिंगेश्वर दास के साथ हुई थी, जहां शुरुआती दौर में पति पत्नी के बीच दहेज को लेकर अक्सर विवाद होता रहता था, लेकिन उसने इसकी शिकायत किसी से नहीं की। गायत्री देवी ने अपने ससुराल वालों पर आरोप लगाते हुए 50,000 रुपये दहेज मांगने की बात कही। साथ ही कहा कि उसके पति और सास ससुर उसे प्रताड़ित कर मारपीट भी करते थे। वहीं पीड़िता गायत्री देवी ने कहा कि सोमवार को उसके ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट कर गमछे से गला घोट कर हत्या करने का प्रयास किया, जिसकी जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे मायके वाले से ससुराल पक्ष के लोगों की काफी कहासुनी हो गई। जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने न्याय की गुहार लगाते हुए लड़का पक्ष के लोगों के खिलाफ SDO कोर्ट में मामले दर्ज कराए। दहेज में थी, मेरा बाकी रहा थी, 50,000 रुपये नहीं देंगे तो आपको जान मार देंगे। कौन बोला ये बात? सास ससुर बोला और उसका भाई सब बोला। पति पति का क्या कहना है? पति का कहना कि इसको मार दो, जब नहीं देगा तो मार दो। कब हुई शादी आपकी? साथ में हुई, पर एक साल पहले शादी हुई है। 22 तारीख। कब से यह विवाद चल रहा है? वही ब्याह हुआ चल रहा है। ये कौन किया, ये जो गला में आपके हुआ है? मेरा सास ससुर किया। भागलपुर के मशाकचक इलाके से बीते 2 जून को अगवा की गई 20 वर्षीय युवती को जोकसर पुलिस ने मंगलवार को बांका से बरामद कर लिया है। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि शादी की नियत से युवक ने युवती को झांसा देकर उसका अपहरण कर लिया था। हालांकि आरोपी युवक बरहपुरा निवासी मोहम्मद राशिद पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए भागलपुर पुलिस बंगाल के सिल्लीगुड़ी रवाना हो गई है। बताया जा रहा है कि संबंध में पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगा है, जिसके आधार पर युवती को तो पुलिस ने मुक्त करा लिया, लेकिन अब भी अपहरण का आरोपी फरार चल रहा है। बता दें कि मामले को लेकर युवती के पिता ने जोकसर थाने में केस दर्ज कराया था, जिसमें पुत्री को युवक द्वारा बहला फुसला कर अगवा करने की बात कही गई है। फिलहाल पुलिस युवती का कोर्ट में बयान करवा कर उसकी मेडिकल जाँच कराएगी, जबकि युवक की गिरफ्तारी की कार्रवाई तेज कर दी गई है। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आइकोनिक वीक सेलिब्रेशन के तहत क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन बुधवार को भागलपुर के 0 माइल स्थित रेशम भवन परिसर में किया गया। इसका उद्घाटन जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, DDC प्रतिभा रानी, यूको बैंक के जोनल मैनेजर उपेंद्र मोदी, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक LDM मोना कुमारी समेत कई राष्ट्रीयकृत बैंक के वरीय पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में अलग अलग बैंक के अधिकारियों ने DM और DDC के माध्यम से लाभार्थियों के बीच ऋण वितरण किया। हस्तकरघा एवं रेशम भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि सभी बैंकों द्वारा आइकोनिक वीक सेलिब्रेशन के तहत क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में MSME और कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा देने को लेकर ऋण से संबंधित जानकारी के लिए स्टॉल लगाया गया है, जिससे उद्यमियों के अलावा जीविका दीदी और छोटे बड़े व्यवसायियों को काफी लाभ मिलेगा। DM ने कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना और प्रधानमंत्री आवास ऋण योजना के अलावा कई योजनाएं हैं जो बैंक के माध्यम से पूरा होती है और ग्राहकों सहूलियत एवं सुविधा के अनुसार अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा पाते हैं। वहीं कार्यक्रम को DDC प्रतिभा रानी और LDM के अलावा कई बैंक अधिकारियों ने संबोधित करते हुए बिहार और भागलपुर में व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए हर संभव पहल करने का भरोसा दिया। अंचल प्रबंधक उपेंद्र मोदी ने कहा कि सभी बैंकों की कोशिश ग्राहकों को सरकारी योजनाओं का लाभ जिले के अंतिम जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुँचाना है।
जिससे बेहतर ढंग से विकास कार्य हो सके। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न बैंक की ओर से कई चयनित लाभुकों को व्यवसाय के लिए राशि भी प्रदान की गई। मौके पर DTO फिरोज अख्तर, डायरेक्टर RCT अभय कुमार सिंह समेत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के अलावा कई सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक अधिकारी कर्मी समेत काफी संख्या में ग्राहक एवं लाभार्थी मौजूद रहे। आउटरीच प्रोग्राम जो है वो सभी बैंक का लीड बैंक के नेतृत्व में आज यहाँ आयोजित किया गया है। रेशम भवन में हम लोगों ने ये करवाया है। ये बहुत अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर एक बन करके इस जिले को मिली है और इसके सारे भवन के जितने भी कमरे हैं, हॉल हैं, सबका यूज हो रहा है। तो आज इसी प्लेटफॉर्म का यूज करके हम लोगों ने बैंकर्स को बताया भी है कि जो हम लोगों में और सुधार करना है लोगों को परफॉर्मेंस में, वो हम लोग निश्चित रूप से इस वित्तीय वर्ष में करें। और जो प्रायोरिटी सेक्टर की लैंडिंग है, CD रेशियो को सुधार किया जाना है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री बुनकर योजना है, जहाँ भी बैंक के सहयोग की आवश्यकता हम लोगों को पड़ती है तो उसमें भी इस बार का परफॉर्मेंस पिछले सालों की तुलना में अच्छा हो, तो सभी बैंक के वरीय पदाधिकारी थे और सब लोगों ने ये आश्वस्त किया है कि निश्चित रूप से जो टारगेट इस फाइनेंशियल ईयर में रहेगा उसको वो लोग अचीव करेंगे। लगातार इसकी हम लोग समीक्षा भी करेंगे और बैंक को अगर कहीं कोई समस्या आएगी तो उसका हम लोग याद करेंगे। बुनकरों की प्रशिक्षण दिया जाएगा, वो हम लोग इस सारी महत्वाकांक्षी योजनाओं को एक कालबद्ध तरीके से योजनाओं को संचालित की जाए। माननीय उद्योग मंत्री श्री सैयद शाहनवेज साहब का सपना है कि कार्यक्रम गाँव गाँव में उद्योग की स्थापना हो, उन्हीं का सपना को हम लोग पूरा करेंगे। ये कैंप जो है ना, बैंक और उद्योग विभाग ये दोनों का दिल का मिलन है। इस कैंप से दोनों का है और इसमें विभिन्न जो योजनाएँ चल रही है उद्योग विभाग की, इसका संदेश है कि इसको हम 100% लक्ष्य को पूरा करें। आजकल जो आउटरीच प्रोग्राम है, ये फर्नीचर का पहला प्रोग्राम है और डेफिनेटली हम लोगों ने जो उम्मीद की थी कि 100 करोड़ लोग इस बार डिस्कस करेंगे तो काफ़ी क्रॉस करके हम लोगों ने 96 करोड़ किया है और इसमें सभी बैंक का सहयोग है। और जैसा कि DM साहब ने भी बताया है कि कुछ कुछ कमियाँ हैं, थोड़ा है, तो हम लोग उसको पूरा करेंगे और डेफिनेटली हम लोग चाहेंगे कि इन चीज़ों में आगे बढ़ें। जैसे पिछले साल PMEGP का हम लोगों ने टारगेट पूरा नहीं किया, इस साल हम लोग बिल्कुल कोशिश करेंगे कि ना सिर्फ टारगेट को पूरा करें बल्कि उसको सरपास करें। नवगछा ग्रेस फाइनेंस लिमिटेड के नाम से 33GS धर्मकांडा के पास एक फर्जी ऑफिस बनाकर जालसाजों द्वारा हजारों लोगों से 4 से 5 करोड़ रुपए ठगी किए जाने का मामला सामने आया है। इसको लेकर मंगलवार को काफी संख्या में पीड़ित लोगों ने नवगछा के अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय में पहुंचकर लिखित आवेदन दिया और SDO से न्याय की गुहार लगाई। इस दौरान पीड़ित लोगों का नेतृत्व कर रहे जन जन पार्टी के नेता संजीव कुमार ने बताया कि करीब एक माह से GS धर्मकांडा के पास फाइनेंस कंपनी का ऑफिस अस्तित्व में था, जहां लोगों को इंश्योरेंस और बिना शर्त के 60,000 रुपए ऋण देने का सब स्पार्क दिखाकर जालसाजों ने 3,110 रुपए की ठगी कर ली। वहीं पैसे देने के बाद कार्यालय जाकर जब पीड़ितों ने पूछताछ की तो उन्हें केवल आश्वासन दिया जा रहा था, लेकिन सोमवार को जब पीड़ित लोग फर्जी कंपनी के ऑफिस पहुंचे तो वहां से ऑफिस के साथ फर्नीचर और कंपनी का वोट भी गायब था। संजीव कुमार ने बताया कि मकान मालिक से एग्रीमेंट के आधार पर किराए पर ऑफिस के लिए मकान लिया गया था, लेकिन फर्जी कंपनी वाले जालसाज ने ऋण देने की बात कर लोगों से करोड़ों की ठगी कर ली। ठगी के शिकार लोगों में कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, खगड़िया, नवगछिया, खरीक समेत कई क्षेत्रों के लोग भी शामिल है। इधर नवगछिया SDO यतीन्द्र कुमार पाल ने पीड़ित लोगों को मामले में कानून संगत कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नाम की एक NGO है जिनके द्वारा इन लोगों से ठगी का शिकार ये लोग हुए हैं और कल से ये लोग परेशान है और करीब 500 या 1000 की संख्या में अभी कहिए, अभी तो कोई आकलन सही नहीं हो पाया है, लेकिन इतने लोगों से 3,000 रुपये ठगी का मतलब है 4-5 करोड़ रुपया की ठगी हुई है। और यहाँ पर ऐसे ऐसे कई NGO हमारे क्षेत्र में चल रहे हैं जिसकी जानकारी यहाँ के स्थानीय प्रशासनिक पदाधिकारी को रहते हुए भी इग्नोर किया जाता क्या है। क्या करके पैसा लिया गया? इन लोगों का कहना है कि लोन दिलवाने के नाम पर 60,000 लोन मिलेगा, यह कहकर 3,100 रुपया हर एक व्यक्ति से वसूला गया है।
आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर कोई गांव एक अदद पुल के लिए तरस रहा हो और पुल नहीं रहने के कारण बरसात में गांव का संपर्क दूसरे गांव से कट जाए तो इसे सुशासन के दावे पोल खोलना ही कहेंगे। दरअसल बिहार के जहानाबाद सदर प्रखंड अंतर्गत जामुक पंचायत धुरु बिघा गाँव में नदी के दोनों तरफ सड़क तो बन गई लेकिन पुल नहीं होने की वजह से लोगों को नदी से होकर आना जाना पड़ता है, लेकिन सरकार और प्रशासन को इन लोगों की परेशानी से कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा। वहीं इसको लेकर ग्रामीणों का कहना है कि आज़ादी के 75 साल बीत गए लेकिन अब तक ध्रुव बिघा गांव में पुल नहीं बना, जिससे जून मध्य से नवंबर तक नदी में पानी भर जाने के कारण भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने बताया कि बीमार को इलाज कराने, बच्चों की पढ़ाई या किसी ज़रूरी काम या सामान लाने के लिए बरसात के दिनों में लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे अक्सर हादसे का डर भी बना रहता है। अब देखना यह है कि आखिर प्रशासन और सियासतदानों की नींद कब खुलती है और इस गांव में पुल का निर्माण कब तक हो पाता है। इतना संकट हो रहा है पूर्वज से आज़ादी के बाद, फिर भी आज गुलाम हम लोग हैं। इस नदी के वजह से 10 गांव इस तरफ और 10 गांव उस तरफ खतरा की जंजीर में फंसे हुए हैं हम लोग। ऐसा बरसात क्या कि आज भी हम लोग के आवागमन के लिए गाड़ी पकड़ने के लिए 5 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो सर इन नदी के चलते बहुत है, आज 30 साल पहले से हम लोग दादा परदादा सब गुजर गए, आज तक पुल नहीं बनाया, बहुत दिन से मांग है। रोड दोनों साइड में ई पट्टी ऊ पट्टी दोनों साइड में रोड है, हम लोग के आने जाने में तकलीफ है। और अंत में चलते चलते फिर से एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। तनाव को लेकर भागलपुर में युवक और युवती ने फंदे से झूल कर दी अपनी जान, परिजनों में मचा कोहराम। नवगछिया पुलिस को मिली बड़ी सफलता, भारी मात्रा में स्मैक के साथ 3 धंधेबाज गिरफ्तार, कार्रवाई और कट्टा बरामद। भागलपुर में बढ़ते आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए एसएसपी ने की अधिकारियों के साथ बैठक, दिए कई निर्देश। दहेजनोबी ससुराल वालों ने विवाहिता की गला दबाकर हत्या का किया प्रयास, पीड़िता ने लगाई न्याय की गुहार। और मशाकचक इलाके से अगवा की गई युवती को पुलिस ने बांका से किया बरामद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।